कैसी भी कमजोरी क्यों ना हो, चक्कर आना, हाथ पैर या बदन दर्द या फिर कमर दर्द हो, खून की कमी हो, 4 बार इसे पी लो, हो जाएगी ये सभी तकलीफें हमेशा के लिए दूर और आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह की कमजोरी नहीं रहेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके शरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा और आपके शरीर में नई ताकत और चुस्ती फुर्ती भर देगा, जिससे कि आपके शरीर में सांझ जैसी ताकत आ जाएगी। दोस्तों, ये नुस्खा कैल्शियम का खजाना है, जिससे आपके शरीर की हड्डियां वज्र के समान मजबूत हो जाएंगी और आपको जीवन में कभी कैल्शियम की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही कभी कमजोरी आएगी। आपके शरीर में कैसे भी कमजोरी हो, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे शरीर में होने वाले दर्दों का सबसे मुख्य कारण कैल्शियम की कमी होना है और ये नुस्खा कैल्शियम का खजाना है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होगा तो आपकी हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगी और ना ही आपको किसी भी तरह के दर्दों का सामना करना पड़ेगा। ये शरीर में होने वाली खून की कमी को भी पूरा कर देगा। 4 दिन लेने से ही आपको इसका असर अपने शरीर में दिखाई देने लगेगा। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है ये, तो चलिए बताते हैं आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है। सबसे पहले हम लेंगे सफ़ेद तिल। दोस्तों, तिल के फायदे के बारे में कौन नहीं जानता। ये विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, कॉपर, जिंक, प्रोटीन आदि से भरपूर होता है। बहुत सारी बीमारियों में रामबाण दवा का काम करता है तिल। चाहे ब्लड प्रेशर हो या हार्ट के रोगों से आपको बचना हो या डायबिटीज को कंट्रोल करना हो या फिर हड्डियों को मजबूत करना हो, शरीर में खून की कमी को दूर करना हो, चेहरे पर तेज लाना हो, हर तरह की बीमारी में ये तिल काम आते हैं। इतने गुणों से भरपूर होते हैं ये। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है बादाम। बादाम के फायदे के बारे में कौन नहीं जानता। जो लोग रोजाना बादाम का सेवन करते हैं, उन्हें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना फायदेमंद होता है बादाम का सेवन करना, आपके दिमाग को तेज करने के साथ साथ पेट से लेकर दिल की बीमारियों से भी बचाए रखने का काम करते हैं। बादाम आपके शरीर को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ शरीर को हर तरह की बीमारी से बचाते हैं, हड्डियों को मजबूत करता है, मोटापे को घटाता है बादाम। तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट है दूध। दूध कैल्शियम का खजाना होता है। दूध के बारे में सभी जानते हैं, बचपन से सभी दूध पीते आ रहे हैं और दूध हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है, इसके बारे में बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अपनी रेमेडी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तिल लेकर उन्हें एक कढ़ाई में या फ्राई पैन में भून लें। हल्का ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, मीडियम गैस पर इसे भूनें। भूनने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें। अब आपने रात को 4 बादाम को पानी में भिगोकर रख देना है। अगले दिन सुबह 1 गिलास दूध लें, उसे गैस पर रखकर गर्म करने के लिए रख दें। उसमें 1 चम्मच भुने हुए तिल डाल दें और बादाम को छीलकर उसे किसी भी छोटे मामजस्ते में कूट लें। अच्छे से कूट लें और दूध में उसे डाल दें, अच्छे से उबाल आने दें। मीठे के लिए आप मोटी मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, जितना मीठा आप पीना चाहते हैं उतनी मिश्री ले सकते हैं। इस दूध को 3 बार अच्छे से उबाल लें। अब बिना छाने इस दूध को आपने पीना है। इसे सुबह खाली पेट पीना है, छानना नहीं है, अच्छे से तिल को चबा चबा कर खा लेना है। यदि आप रोजाना ऐसा दूध पीते हैं तो आपके शरीर की हर तरह की कमजोरी का इलाज हो जाएगा और आपका शरीर अंदर से मजबूत और शक्तिशाली बन जाएगा। आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगा, जिससे कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी। कमर दर्द हो या जोड़ों का दर्द, कभी शिकायत नहीं होगी, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही इसे बनाएं और पीना शुरू कर दें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।